मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में आज जिम्मेदारों के अनदेखी के चलते गौशाला में गौ दम तोड़ रही है। मामला नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पांचोर का है, जहां शासन द्वारा लाखों की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया, लेकिन यही गौशाला आजकल गोवंशों की कब्रगाह बनती जा रही है। इसकी मुख्य वजह जिम्मेदारों की अनदेखी कही जा सकती है। वहीं डॉक्टर आशीष मिश्रा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उम्र दराज गोवंश की ही मौत हो रही है, जिसका कारण कुछ दिनों से क्षेत्र में पड़ रही ठंड हो सकती है। पर देखा जाए तो जिन गोवंश की मौत हुई है वह करीब 5-6 वर्ष की मानी जा सकती है, जो जिम्मेदारों की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं बात की जाए तो मृतक गोवंश के शव को दफनाने की बजाय खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे जंगली जानवर के साथ कुत्ते भी शव को क्षत विक्षत कर रहे हैं। वहीं अगर कोई पशु को गंभीर बीमारी के चलते मौत हुई हो तो ऐसे में कुत्ते भी बीमारी फैलने का खतरा बन सकता है। जबकि प्रशासन द्वारा मृत गोवंश को दफनाने के आदेश दिए गए हैं, उसके बावजूद पंचायत सचिव की लापरवाही से गौशाला के पीछे ही शव को फेंका जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से संज्ञान लिया गया तो वह भी रटा रटाए जवाब देते हुए नजर आए। मैं डॉक्टर मनोज बालोदिया, पशु चिकित्सालय नसरुल्लागंज। अभी आपके द्वारा मुझे बताया गया कि पांचोर गौशाला में कुछ पशुओं की मृत्यु हुई है, उस संबंध में मैंने प्रभारी डॉक्टर साहब से बात की है और उन्होंने 8 तारीख को विजिट करने का कहा है। उसमें आप भी आमंत्रित हैं और गांव वाले भी आमंत्रित हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और अगर मृत्यु हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, उस कारण का पता करके उसको समाधान उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि गौशाला में बहुत सारी गायों की मौत की खबरें निरंतर आ रही हैं, तो संबंध में प्रशासन का कोई रुख स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? आपने ये जानकारी में बात लाए हैं, मैं कलेक्टर महोदय से इसमें बात करूंगा और जिस गौशाला में पर्टिकुलर यदि आप नाम बताएंगे तो वहाँ पहुँच कर उनकी व्यवस्था को देख कर यथासंभव कोई मदद गौशाला को सरकार से होगी तो हम निश्चित रूप से कराएंगे। सर, जिस प्रकार पांचोर ग्राम पंचायत अंतर्गत एक गौशाला बनी है, उसमें जो मवेशी हमारे हैं जिनको डिस्पोज नहीं किया जा रहा, पीछे फेंक दिया जाता है खुले में, तो कहीं ना कहीं आमनिताएँ देखिए लापरवाही देखी जा रही है। जो भी मवेशी इस तरह की किन्हीं कारणों से खत्म हुई है, उनको पंचायत को हम बोले कि उनका सही उचित जगह निष्पादन करें, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं हो। सर, अधिकांश कहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पे कोई चौकीदार भी नहीं मिलता है, जब भी गए हैं तो चौकीदार वहाँ पे मिला नहीं है, गौशाला में ताला लगा मिलता है और मवेशियाँ मर रही हैं, तो इसको कोई संज्ञान दिया जाएगा? गौशालों में अलग से कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, स्व सहायता समूह के माध्यम और पंचायत के सहयोग से संचालन हो रहा है। निश्चित है गाय के यदि रख रखाव है तो यहाँ पे जो स्व सहायता समूह के सदस्य जुड़े हैं, गाय को कहीं बाहर उनको चारा चराने या पानी पिलाने या अन्य कारणों से कहीं गए होंगे, वो व्यवस्था देखेंगे, अलग से चौकीदार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।